सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। दोस्तों मैं फौजी सोहन चौधरी आपके अपने इस YouTube चैनल पर सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का वीडियो खास करके मैं उन मेरे भाइयों के लिए बना रहा हूं जो क्या आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जरा मिलिट्री की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, नेवी की तैयारी कर रहे हैं, कुल मिला के मेरा कहने का जो बेल्ट की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा मेडिकल के अंदर एक्चुअल के अंदर वहां पर क्या क्या चीजें मांगते हैं और अपने को मेडिकल की मतलब किस चीज की बिल्कुल रेडी होकर तैयारी करके आपको जाना है तो आप वहां पर क्या है बिल्कुल भी मार नहीं खाओगे। कई आपको बातें इस प्रकार की बताऊंगा दोस्तों, जो लड़के क्या है तैयारी करके भी जाते हैं लेकिन वहां पर क्या है छोटी छोटी गलतियां होने के बावजूद वो क्या मार खा जाते हैं और मेडिकल से आउट हो जाते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा मेडिकल के अंदर क्या क्या चीजें खास तौर पर चेक की जाती है। दोस्तों मैं खुद एक फौजी आदमी हूँ, अपने 17 साल इंडियन आर्मी के अंदर सर्विस देके अभी मैं अपनी एकेडमी के अंदर यहाँ पर बच्चों को तैयार करता हूँ और हमारे बच्चे यहाँ से अलग 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 सेंटरों के अंदर भी जाते हैं और अलग अलग जगह अभी ऑन ड्यूटी भी हमारे लड़के हैं। तो दोस्तों मैं बताऊँ आपको मैं मोटे मोटे मेडिकल के वो पॉइंट बताऊंगा जो वहाँ पर क्या चेक किए जाते हैं और ज़्यादातर उन्हीं के ऊपर क्या ध्यान दिया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बताऊँ आपको सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए दोस्तों, आपका डिसिप्लिन, जब भी आप मेडिकल करवाने के लिए जाते हो आपका डिसिप्लिन नंबर 1 का होना चाहिए। डिसिप्लिन के अंदर दोस्तों सभी चीज़ें आ गई, सबसे पहले दोस्तों आप क्या होगी हेयर कटिंग सही होगी, उसके बाद दोस्तों ये दाढ़ी भी वहाँ पर थोड़ा लाइक कम करते हैं डॉक्टर है ना, उसके बाद दोस्तों आपके दांत साफ होने चाहिए, नाक साफ होना चाहिए, आंखें साफ होनी चाहिए, एक्स्ट्रा बाल वगैरह ये कटे होने चाहिए, आपके नाखून एकदम साफ होने चाहिए, उसके बाद शरीर में कोई बदबू गंध इस प्रकार की आपको नहीं आनी चाहिए, प्लस वहाँ पर क्या है बिल्कुल आपको डिसिप्लिन के अंदर रहना है। अभी दोस्तों आपको मैं बताऊँ सबसे पहले आपके क्या क्या चीज़ें चेक की जाएगी, नंबर 1 आंखें चेक की जाएगी, आंखें आपकी दोस्तों 6x6 होनी चाहिए, अगर नहीं भी है तो दोस्तों अभी से अपने डॉक्टर के पास में आप जाओ चेक कराओ और वो उसका सोल्यूशन 100% आपको बता देगा। उसके बाद दोस्तों आ गया नाक, नाक में आपका क्या होता है DNS का पॉइंट होता है, किसी का नाक कोई बॉक्सिंग वगैरह खेलते हैं या कहीं गिर जाता है उसमें क्या नाक की ये रीढ़ की टेढ़ी हो जाती है, दोस्त को इसका भी क्या है सोल्यूशन है। उसके बाद दोस्तों हो गए कान, कान दोस्तों सबसे पहले आपके क्या होना चाहिए बिल्कुल साफ होने चाहिए, जब भी आप डॉक्टर करवाने के लिए जाते हो सबसे पहले अपने कानों को सफाई करा के जाओ, उसके बाद दोस्तों अगर इसके अंदर कोई चोट लगी हुई है अपना टाइम से डॉक्टर को दिखाओ और वो इसका सोल्यूशन 100% बताएगा, अगर किसी को सुनाई कम दे रहा है या इस प्रकार की कोई मिस्टेक है डॉक्टर आपको 100% इस चीज़ के बारे में आपको बता देगा। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं यहाँ पर मुँह, मुँह कहने दोस्तों सबसे पहले आपके क्या होना चाहिए दांत बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए, उसके बाद दोस्तों आपका क्या है कोई भी दांत टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, अगर टूटा हुआ चलेगा लेकिन दोस्तों आपके दांत जैसे दांत उखड़ गई वहां पर आपने दूसरी दांत डलवा दी इस प्रकार का वहां पर बिल्कुल भी नहीं चलेगा, तो समय रहते अपने बढ़िया दांतों को साफ सफाई करा के जाओ और कोई छोटी मोटी मिस्टेक है उसको आप आसानी से सुधार के जा सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपका आ गया ये क्या बोलते हैं एक नी, यानी ये किसी लड़कों क्या होती है अप डाउन होती है लेकिन दोस्तों ये 100 में से 1 लड़के की मिलती है, बाकी इसकी इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों हाथ सीधा करो शाबाश, उसके बाद दोस्तों आपके क्या होता है एक ये हैंड बैंड की प्रॉब्लम होती है, हाँ शाबाश सीधा करो, हैंड बैंड की होती है प्लस क्या होती है हाथों के अंदर कंपन की भी होती है, तो दोस्तों अगर आपके हैंड बैंड की प्रॉब्लम है अभी से क्या है बड़ी एक्सरसाइज करो, हैंड बैंड की बहुत सुधारने की बहुत एक्सरसाइज होती है, वो एक्सरसाइज अगर आप टाइम से करोगे 100% दोस्तों आपका क्या है हैंड बैंड की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों कई लड़कों क्या होता है हाथ इस प्रकार से क्या कांपना शुरू हो जाए, कांपते हैं, किसी का अनुवांशिक होते हैं किसी का कमजोरी के कारण होते हैं, तो इसका भी दोस्तों इलाज है, बड़ी एक्सरसाइज करोगे ईंटों को इस प्रकार से लेके आप तैयारी करते रहोगे 100% दोस्तों यह भी आपकी मिट जाएगी। उसके बाद दोस्तों आते हैं नीचे की तरफ, दोस्तों यहाँ पर हो गया प्राइवेट पार्ट, तो प्राइवेट पार्ट दोस्तों देखो करीब करीब सभी बच्चों के ठीक होते हैं लेकिन फिर भी अगर कोई छोटी मोटी किसी का मिस्टेक है तो आप अपने समय और डॉक्टर को तैयारी दिखा के आसानी से इसका भी दोस्तों 100% सोल्यूशन है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहीं से आ जाओ आप लोगों दोस्तों एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नोकनी, नोकनी नोकनी के अंदर क्या होता है दोस्तों कई कई पैरों को इस प्रकार से मिला खड़ा हो जाते हैं, कई ऐसे खोल के खड़े देते हैं, दोस्तों एक्चुअल के अंदर क्या होता है दोनों हड्डी मिलाओ यहाँ से 6 इंची खोलो इस प्रकार से, यहाँ से मिला के आपके आपसे ये 6 इंची खुलवाएंगे दोस्तों, इसके बाद में अगर 6 इंची खोल दिए खोलने के बाद में अगर आपके टच हो रहे हैं तो आपका क्या है थोड़ी मिस्टेक मान जाएगी लेकिन आपको इतने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपका ये गेप है आपका नोकनी नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि आपका टच हो रहे हैं तो दोस्तों इसकी भी बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, हमारे पीछे के वीडियो के अंदर आप आसानी से देख सकते हो नोकनी का 100% सॉल्यूशन है,
इसका भी समय रहते आप आसानी से इस कमी को भी आप दूर कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहीं से आते हैं अपने पीछे हो, ये बताओ वेरिकोज, तो यहाँ पर एक नस निकलती रहती है, इसको बोलते हैं वेरिकोज। दोस्तों इसके अंदर भी काफी बच्चों का आउट करते हैं, लेकिन दोस्तों मैं बताऊं समय रहते इसका भी क्या है सॉल्यूशन है, आप चेक कराओ। अगर आपको लग रहा है ये आपकी नस बाहर सांप की तरफ बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी होकर निकल रही है, तो दोस्तों इसका भी क्या है सॉल्यूशन है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका भी ऑपरेशन के द्वारा इस नस को आउट कर दिया जाता है, या इस प्रकार की आपको दवाई मिल जाएगी, ये नस आपकी बिल्कुल भी वहां पर दिखाई नहीं देगी। उसके बाद दोस्तों यहीं से करते हैं फुट प्लेट ऊपर आओ, ये लास्ट पॉइंट है दोस्तों फुट प्लेट का। ज्यादातर ये फुट प्लेट किन लड़कों के होता है, जिन लड़कों का क्या है जो चप्पल का ज्यादा यूज करते हैं, चप्पल जो लड़का ज्यादा यूज करता है उस लड़कों के क्या होता है ये फुट प्लेट। फुट प्लेट का मतलब होता है दोस्तों पैर बिल्कुल इस प्रकार से होता है, पैर के अंदर क्या है यहाँ पर गैप बिल्कुल भी नहीं होता। तो दोस्तों अगर इस प्रकार का मेरे कोई छोटा भाई है जिनका फुट प्लेट की समस्या है, तो दोस्तों समय रहते अपना बढ़िया जूते पहनो, और जूते के अंदर दोस्तों एक इस प्रकार की गोटी बनी होती है, अगर वो भी आप लगा के पहनोगे 100% आपका ये फुट प्लेट की बीमारी भी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे खास पॉइंट जिनको आप समय रहते हुए आसानी से सुधार के तसल्ली से टाइम रहते हुए आप चेक करवाओ या अपने आप को चेक करो, उसके बाद में बिल्कुल आप प्रिपेयर होके जाओ, बिल्कुल रेडी होके जाओगे, 100% दोस्तों आपको मेडिकल में कोई भी नहीं निकालेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अगले वीडियो के अंदर फिर एक नई और ताज़ा जानकारी लेके आपके सामने मिलूंगा। तब तक के लिए सभी मेरे दोस्तों को जय हिंद जय भारत।